ओके, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ फूड वी ईट, ये चैप्टर। और इसका जो लिविंग और नॉन लिविंग वाला पार्ट है उस वो आपको और एक ऑडियो या वीडियो में मिल जाएगा। तो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू गेट द नेक्स्ट अपडेट्स ऑफ द वीडियो। तो चलो लेट स्टार्ट द चैप्टर फूड वी ईट। हम लोग को पता है सभी लिविंग बींग्स जो होते हैं तो उन लोगों को ज़िंदा रहने के लिए फूड का बहुत ज़रूरत पड़ता है। फूड हम लोग को क्या क्या देता है? फूड हम लोग को स्ट्रेंथ देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। सिर्फ यही नहीं, खाना खा के हम लोग तंदुरुस्त रह सकते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और हम लोग ग्रो भी करेंगे। हम लोग को बड़ा होना भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। सिर्फ बड़ा ही होना नहीं है, बड़ा होने के बाद भी जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो जैसे ग्रो करना होता है, तब बड़े जब बुज़ुर्ग बनते हैं या ओल्ड होता है वो भी ग्रो करना ही होता है। तो ज़िंदा रहने के लिए फूड एक एसेंशियल पार्ट है। सिर्फ यही नहीं, फूड हमारे डिफरेंट शरीर के जो पार्ट्स है उसको रिपेयर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ के अगेंस्ट में। तो चलो अब मेन जो पार्ट है ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट कि फूड का ज़रूरत क्यों होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फूड क्या है, क्यों है, क्या किसको किसको कहते हैं और उसमें क्या क्या होता है। प्लांट्स और एनिमल दो टाइप से हम लोग को फूड मिलता है। जैसे हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, सीरियल्स, पल्स, फ्रूट्स, ये हम लोग को प्लांट से मिलता है। इसको छोड़ के भी प्लांट से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, वो डिटेल्स में हम लोग थोड़ा बाद में जाते हैं। और हम लोग को एनिमल से मिल्क मिलता है, एग मिलता है, फिश मिलता है और मीट भी मिलता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि फूड में क्या क्या होता है। अब न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो फूड में रहता है जो हमको ज़िंदा रहने के लिए और बड़े होने में मदद करता है। हर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट अलग अलग काम होता है, फंक्शन मतलब काम। कुछ न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को एनर्जी देता है तो कुछ हम लोगों को बड़ा होने में या बॉडी रिपेयर होने में हेल्प करता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसा होता है जो हम लोगों को डिजीज से या बीमारी से प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को लेके। डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है, ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं। तो पांच मेन टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी में और जब हम लोग ये सारा न्यूट्रिएंट्स थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में खाते हैं तब उसको बैलेंस डाइट भी बोला जाता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा अभी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो हमारा ये फाइव न्यूट्रिएंट्स के अंदर पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, और सबसे ज़्यादा हम लोग दिन में कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करते हैं या खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। तो व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ एनर्जी गिविंग फूड। और या तो क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है कि नेम वन एनर्जी गिविंग फूड, तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दिन में बहुत लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है। दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट मेनली होता है, एक होता है शुगर और एक होता है स्टार्च। तो व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो एक है शुगर, दूसरा है स्टार्च। फ्रूट्स जैसे बनानास, एप्पल्स, ये भी एक बहुत हाई रिसोर्स ऑफ शुगर है। पोटैटोज और सीरियल्स में जैसे राइस, व्हीट, मेज़ में भी काफ़ी हद से स्टार्च मिलता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो है प्रोटीन। प्रोटीन ये जो है ये हमारा ग्रोथ और बॉडी रिपेयर में हेल्प करता है। सिर्फ यही नहीं, प्रोटीन हमारा का जो मसल है उसको भी हेल्प करता है बिल्ड होने में। जो प्रोटीन हम लोगों को हेल्प करता है बॉडी को बिल्ड करने में, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए बिकॉज उन लोगों का बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होता है जैसे चीज़, पनीर, पल्सेस, मतलब दाल जो आप लोग घर में खाते हो, या सोयाबीन, मीट, फिश, एग्स, इसमें भरपूर प्रोटीन रहता है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग साइंस में कभी भी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके साथ ज़रूर हम लोग एक ठो करके या दो ठो करके एग्जांपल्स साथ में दे दे, तभी आपको साइंस में फुल मार्क्स मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है थर्ड कॉम्पोनेंट, थर्ड न्यूट्रिएंट जिसको हम लोग फैट बोलते हैं।
फैट जो होता है ये हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा, और हम लोग के बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है। तो फैट हमको एनर्जी देता है, इसलिए इसको भी एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। मेनली ऑयल्स एंड नट्स, नट्स मतलब काजू जो हम लोग खाते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी नट्स मिलता है, उससे हाई फैट रिच कंटेंट रहता है। घी और बटर में भी फैट रिच फूड रहता है। हमारा बॉडी को ये जो फैट है इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही ज़रूरत होता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट खा लें तो वो हमारा शरीर में स्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। मगर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हम लोगों को मोटापा बोल के जो रोग है या ओबेसिटी जो है वो पकड़ लेता है। जो भी हम लोग जिनका शारीरिक काम बहुत ज़्यादा होता है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, या तो बाहर घूमने का काम, या जो लेबर होते हैं काम करते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइट में ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होना ज़रूरी होता है। इससे क्या है, उनको सफिशियंट एनर्जी मिलेगा जो उनके शरीर को पोषण देगा। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़ेंगे वो है विटामिन एंड मिनरल। इससे पहले हम लोग 3 कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़े हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्लास 3 और 4 के लेवल का है, इसलिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो 3 और 4 के बच्चों के लिए जितना जानना ज़रूरी है उतना ही इनफ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हम लोगों को फिट एंड हेल्दी रखता है। और सिर्फ यही नहीं, ये हम लोगों के शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होता है हर दिन। फूड जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स रहता है उसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर को डिजीज़ से बचाता है। ABCDE and K ये कुछ विटामिन के टाइप है जो हमारे खाने में मिलता है। इसको छोड़ के कैल्शियम, पोटाशियम, आयोडीन, आयरन, ऐसा कुछ मिनरल्स है। इसको छोड़ के भी बहुत सारा मिनरल्स है जो हम लोग थोड़े हायर क्लासेस में जान पाएंगे। डिफरेंट विटामिन का काम शरीर में डिफरेंट होता है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट, स्वीट पोटैटोज, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा विटामिन ए रहता है, जो हमारा आईसाइट इम्प्रूव करने के लिए या हेल्दी स्किन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरत होता है। तो विटामिन ए कौन से फ्रूट्स में मिलता है ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन ए ये आ सकता है। नेक्स्ट है फिश, एग, मिल्क, इसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है जो हेल्दी बॉडी के लिए और टीथ के लिए, बोन एंड टीथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम एंड आयरन ये भी एक मिनरल का एग्जांपल है जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। कैल्शियम और आयरन, जैसे कैल्शियम में बोन फॉर्मेशन और टीथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन मतलब तैयार होना। मिल्क, कर्ड, चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट रहता है, इसलिए जिनको कैल्शियम का कमी है या तो बच्चों को रोज़ कैल्शियम ओरिएंटेड फूड ज़रूर खाना चाहिए। आयरन इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको शरीर में आयरन का कमी होता है उनको एनीमिया नाम का एक रोग होता है, एक डिजीज़ होता है उसको हम लोग, जिसके शरीर में कम होता है, इसलिए आयरन कंटेंट फूड भी खाना ज़रूरी है। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे स्पिनच, एप्पल्स, कैरट्स, इसमें बहुत रिच सोर्सेस ऑफ आयरन रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हम लोग के शरीर के बॉडी को मिलता है आयोडीन, पोटेशियम एंड सोडियम से। ओके, लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे रफेज एंड वाटर। कुछ फूड के पार्ट ऐसे होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, इस पार्ट को कभी डाइजेस्ट बॉडी कर ही नहीं सकता है, उस पार्ट को रफेज कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। इसलिए कुछ भी आप फूड जो खा रहे हो उसमें फेंकने वाला कुछ नहीं होता है, सब चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे शरीर को पोषण देने में मदद करता है। वाटर बहुत एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट है, ये इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। सिर्फ यही नहीं, ब्लड और अदर फ्लूइड को शरीर में ठीक ठाक रखने के लिए भी वाटर का बहुत ज़रूरत होता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा वाटर पीना चाहिए हर दिन, ताकि हमारा शरीर जो है वो अंदर से क्लीन रहे, अदरवाइज़ हम लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं।
तो शुरू में ही मैंने बोला था बैलेंस डाइट के बारे में, तो अभी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट्स वो होता है जो हमारे शरीर को राइट न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में खाने में मदद करता है, अलॉन्ग विथ रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट में हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब चीज़ का हो, जैसे सीरियल्स, पल्सेस एंड स्प्राउट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, प्रोटीन्स एंड कैल्शियम, ऑयल्स एंड नट्स, और लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। एक फिश चिकन खाना चाहिए जो नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको दाल से, सीरियल से या मिल्क बेस्ड डाइट से न्यूट्रिशंस मिल जाएगा। वाटर बहुत एसेंशियल पार्ट है जब भी आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो। मगर मिल्क को अभी के ज़माने में बोलता है कि अभी के क्या हमेशा से बोला आ रहा है कि मिल्क एक कंप्लीट फूड है, मगर मिल्क में ये जानना ज़रूरी है कि मिल्क में आयरन का उतना नहीं होता है, आयरन उतना ज़्यादा नहीं होता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को डिफरेंट अमाउंट या फूड का ज़रूरत पड़ता है एज के हिसाब से, वो क्या काम कर रहा है उसके हिसाब से। जैसे अगर देखा जाए तो जो इंसान फिजिकल लेबर दे रहा है, सच एज एथलीट या लेबर, उनको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। जैसे कुछ पर्सन जो घर में बैठ के काम करते हैं या ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, इसका मतलब उसका फिजिकल लेबर कम हो रहा है। फिजिकल लेबर कम हो रहा है मतलब इसका एनर्जी वेस्ट कम हो रहा है, तो इसलिए उसको उस हिसाब से खाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो घर बैठे है या जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और जो लेबर का काम कर रहे हैं, लेबर का डाइट अगर हम लोग खा लें तो जो घर बैठे हैं, तो क्या होगा, हम मतलब एक एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहते हैं, तो क्या होगा ना, मुझे मोटापा पकड़ लेगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, राइट। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपका काम के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। जो बच्चे ग्रोइंग होते हैं उनको प्रोटीन रिच डाइट का बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि उनका बॉडी और माइंड ग्रो कर रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके साथ खेल कूद कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उसका इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम होने के कारण उसको प्रोडक्टिव फूड जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग जो सुन रहे हैं, बहुत जन फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, कोई कोई होता है वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, तो बच्चों से मेरा यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग आपके घर में जो भी खाना बन रहा हो ज़रूर से फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खाना खाए रेगुलर, ताकि आप लोगों को कोई बीमारी ना छू पाए और आप लोग हमेशा तंदुरुस्त रहे, और आप लोग आपका जो भी खेलने कूदने का काम है या स्कूल का वर्क है उसमें अच्छे से ध्यान लगा के सब चीज़ कर सके। जो घर के एल्डरली पर्सन होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं या बूढ़े लोग होते हैं, उनको लो फैट या हाई फाइबर डाइट चाहिए होता है, क्योंकि उनका एक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा फैट उनके शरीर को हज़म करना डिफ़िकल्ट होगा। उनको काफ़ी मिल्क खाना चाहिए, क्योंकि उनका बोन्स जो है एज होने के कारण उनका बोन्स में कमियाँ होने लगता है, मतलब कैल्शियम घटने लगता है, इसलिए फ्रेश फूड्स वेजिटेबल्स भी उनका मिनरल्स और विटामिन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमेशा एक चीज़ टिप्स के दौर में बताते हैं, फूड कभी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। फूड हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे पीपल हैं जिनको खान दो वक्त का खाना नहीं मिलता है, तो जितना हम लोग खा सकते हैं उतना ही प्लेट में ले, अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा ले, मगर प्लेट में लेके खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा खाना का खाना हम लोग बचा सकते हैं अगर, तो उससे बहुत जन का पेट भर सकता है। सो हमेशा बहुत ज़्यादा परिमाण में खाना नहीं बनाना चाहिए, इससे भी वेस्टेज होता है। कुक्ड फूड को आपको रेफ्रिजरेटर में रह जाता है और वहाँ पे खाना ख़राब होने लगता है ऐसा ऐसा करके। रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए ड्यूरिंग द समर, ताकि वो ख़राब ना हो। इसको छोड़ के आप कटा हुआ वेजिटेबल या फ्रूट्स ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, और रोड साइड में जो खुला हुआ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिकता है घर में, अगर आप लेके आ रहे हो वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के उसको यूज़ करना चाहिए। जो कटा हुआ फ्रूट्स रोड साइड में मिलता है प्लीज़ उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स ज़्यादा देर तक काट के नहीं रखना चाहिए, इससे क्या होता है उसमें जर्म्स पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। और हमेशा फूड को हमेशा अच्छे से स्टोर करना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहर का खाना हम लोग जितना कम खाएंगे, जितना अनहेल्दी फूड कम खाएंगे, उतना हम लोगों का शरीर तंदुरुस्त रहेगा और हम लोग कम बीमार पड़ेंगे।
अच्छा अभी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि इतना सब कुछ तो पढ़ाई कर लिया फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, क्या खाना अच्छा है क्या खाना बुरा है। तो अभी तो हम लोग को ये भी जानना ज़रूरी है कि हम लोग उस फूड्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो फूड जनरली स्पॉयल हो जाता है बहुत जल्दी, तो उसके लिए वेस्टेज ना हो और वो ख़राब खाना खा के या स्पॉयल फूड खा के हम लोग बीमार नहीं पड़े, इसलिए कुछ हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को थोड़ा सॉल्ट और ऑयल में डाल के हम लोग रख सकते हैं। जैसे पिकल बनाया जाता है मैंगो और गार्लिक का, आप लोगों को पता ही है। जैसे कुछ खाना को हम लोग सुखा के रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, जैसे चिली को ड्राई करके रखते हैं धूप में सुखा के। अच्छा कुछ चीज़ को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो खाना ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उसको लो टेम्परेचर में रखना ज़रूरी है। कुछ चीज़ जैसे फिश, मीट, सी फूड, इसको और से भी ज़्यादा लो टेम्परेचर में, इसलिए डीप फ्रीजिंग का ज़रूरत होता है, तो हम लोग फ्रीज़र यूनिट जो होता है रेफ्रिजरेटर का वहाँ रखना चाहिए। अब इतना जानने के बाद ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो प्लांट का और एनवायरनमेंट का है उसको अच्छे से टेक केयर करें। प्लांट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम लोग को फूड देता है, फाइबर देता है, क्लोथ देता है, वुड देता है पेपर के लिए, मेडिसिन देता है, टिम्बर देता है, तो उसका इम्पॉर्टेंस हम लोग के ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है। तो इसको छोड़ के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो हम लोग को फ्रेश ऑक्सीजन देता है, तो प्लांट के बिना तो हम लोग ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, हम लोग जो घर में रहते हैं उसके नीचे जो सॉयल होता है उसको एक जगह पे रोक के रखने के लिए, बाइंड करके रखने के लिए भी पेड़ हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप लोगों को पेड़ पौधे का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लांट का सैपलिंग आप लोग छोटे छोटे टब में घर में बैठाइए, या बाहर में अगर गार्डन है आपका तो वहाँ पे लगाइए, और हमेशा उसका देखभाल करते रहिए। जितना एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा हमारा, जितना पॉल्यूशन फ्री रहेंगे, उतना हम लोग का जो शरीर है वो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉल्यूशन एयर वाटर और सॉइल में कम होना ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं, कोई भी जगह पे इधर उधर गार्बेज बैग नहीं फेंकिए, गार्बेज नहीं फेंकिए, इससे क्या होता है जो रोडेंट्स होता है या रोड साइड में जो गंदगी होता है उससे बहुत ज़्यादा रोड्स भी गंदा होता है और जर्म्स भी फैलने लगता है। प्लास्टिक का यूज़ कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा यूजेज से क्या हो रहा है ना, जो ड्रेनेज है वो बंद हो जा रहे हैं, सी और रिवर्स और लेक्स में जो एनिमल्स रहते हैं, फिश रहते हैं, उनको ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों पहले ये भी आया था न्यूज़ में, हम लोग बहुत जन देखे थे कि एक टॉर्टोइस का मौत हो गया है क्योंकि उसके जो मुंह में प्लास्टिक अटक गया था, उसका सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख के चले तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा से रहेगा। सबसे बड़ा बात है कभी भी ट्री को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा अर्थ का ग्रीन लंग्स माना जाता है। प्लांट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगाएंगे उतना हमारा एनवायरनमेंट सुंदर रहेगा। होप सो आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा है। तो अभी इसका जो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर्स है उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए।